सत श्री अकाल दोस्तों, अपना पंजाब पंजाबी लोक चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं बलराज लैके हाजिर हाँ अज दीआं खास खबरां। खेती सुधार कानूनों के विरुद्ध किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली में अणमिथे समय लई भुख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सिंगू बार्डर उपर अज भुख हड़ताल रखी जो लगातार जारी रहेगी। इस भुख हड़ताल में वख-वख किसान नेता हर रोज़ हिस्सा लेंगे। दस दईए कि किसान अंदोलन का अज 26वां दिन है। इस विच ही सरकार ने किसान संगठनों नाल गलबात लई एक बार फिर सद्दा भेजा है। उन्होंने मुद्दे और समा दसन लई कहा है। खेती मंत्रालय वालों भेजे गए 40 किसान संगठनों पत्र विच पंज दौर की गलबात की विस्तारपूर्वक चर्चा भी की गई है। यह भी जानकारी मिली है कि किसान संगठनों खेती कानूनों में तरमीम करने का जिहड़ा प्रस्ताव दिता है उसका भी जिक्र किया गया है। इस दे नाल ही 23 दिसंबर को एक दिन का भोजन पूरे भारत के लोगों को छड्डन की अपील भी किसान जथेबंदियों के आगुओं वालों की गई है। उधर 25 दिसंबर को बाहरले मुल्कों के NRI लोगों को दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने की अपील भी की गई है। इस दे नाल ही जथेबंदियों ने 27 दिसंबर को ताली और थाली बजाने का ऐलान भी किया है। उत्थे ही केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों का पूरे देश विरोध हो रहा है। किसान मांग कर रहे हैं कि 3 खेती कानून रद्द किए जाने पर मोदी सरकार सिर्फ इन्हां विच सौदा करने लई ही तैयार हुई है। जिसनों देखते हुए किसान जथेबंदियों वालों इस संघर्ष को तिखा करने लई नवी रणनीति उलीकी गई है। पंजाब विच सारे टोल प्लाजा ते किसान धरना दे रहे हैं। इसे ही तर्ज ते हुण हरियाणा विच भी टोल प्लाजे बंद करन दा ऐलान किया गया है। किसान जथेबंदियों ने फैसला लिया है कि 25, 26 ते 27 दिसंबर को हरियाणा के सारे टोल प्लाजे फ्री किए जाएंगे। 3 दिन हरियाणा के सारे टोल प्लाजा ते किसान धरने देने। पंजाब वांग हरियाणा च भी इन्हां 3 दिनां लई किसी भी गड्डी नूं टोल टैक्स नहीं कटाउण दिता जाएगा। उधर भारत में कोविड के कुल एक्टिव मामलों की गिनती अज घट के 3,03,639 आ गई है। ये 161 दिन में सब तो घट गिनती है। 13 जुलाई 2020 को कुल एक्टिव केस 3,01,609 सन। भारत में मौजूदा एक्टिव मामलों की दर कुल पुष्टि वाले मामलों का सिर्फ 3.2% रह गई है। नवी रिकवरी कुल एक्टिव मामलों की गिनती में 1,705 मामलों की कमी आई है। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक खबर यह भी सामने आई है कि जनवरी महीने तो भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। यह दावा केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सुरक्षा से प्रभावकारी वैक्सीन सरकार की पहल रही है। एक इंटरव्यू दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते असी भारत के लोगों को पहला कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीका लगा सकते हैं। जिस दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन और रिसर्च की गल की जाए तो भारत किसी देश तो पिछे नहीं है। साड़ी पहल वैक्सीन का टीका प्रभावशाली और यकीनी होना जरूरी है। असी इस नाल कोई भी समझौता नहीं कर सकते। उधर सिक्किम विच 20 दिसंबर को नथूला नेड़े 17वें मील से बर्फ नाल भरे जवाहर नाल जवाहर लाल नेहरू रोड से एक गड्डी डिगण नाल एक कर्नल दे 13 साल बच्चे दे नाल 3 भारतीय फौज के जवानों की जान चली गई है। एक सिपाही गंभीर रूप जख्मी हो गया तो उसनू स्थानक हस्पताल में तब्दील किया गया है। उत्थे ही सीनियर कांग्रेसी आगू मोतीलाल वोरा का दिल्ली के एक हस्पताल में अज देहांत हो गया। वह 93 साल के सन। वह बीते कुछ समय तो बीमार सन ते उखला दे एस्कार्ट हस्पताल में जेरे इलाज सन। उन्होंने फेफड़ों में इंस्पैक्शन दसी जाती सी जिस कारण उन्होंने वेंटीलेटर से रखा गया सी। उत्थे ही पंजाब के उद्योग ते वणज मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पेंडू खेतरां में विकास कार्यों की रफ्तार में होर तेज़ कर दिया गया है। जिस तहत दुधारू पशु रखने वाले पशु पार्कों लिए कैटल शैडा का निर्माण किया जा रहा है। वो हुशियारपुर विधानसभा खेत्र तहत पिंडां दीआं पंचायतां नूं कैटल शैड के निर्माण लिए मंजूर हुई रकम के सैक्शन लैटर सौंपन दौरान संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों कैटल शैड निर्माण में सहायता देने दे पेंडू खेतरां दे छोटे और दरम्याने किसान जिन्हां कोल दुधारू पशु हन नूं लाभ दिता गया है। उत्थे ही फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर अरविंदपाल सिंह संधू के दिशा निर्देशों से उपमंडल मजिस्ट्रेट फाजिलका केशव गोयल वालों वख-वख दफ्तरां की चैकिंग की गई। चैकिंग दौरान SDM केशव गोयल ने कहा कि गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों ते कर्मचारियों खिलाफ विभागी कार्रवाई अमल में लिया जाएगी।